हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चने की और लौकी की दाल। सो गाइस, चने की दाल बनाने के लिए मैंने इसको 10 मिनट पहले भिगो दिया था। भिगोने के क्या रहता है गाइस, ये जो है चने की दाल थोड़ी मोटी होती है और इसको पीसने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए पहले भिगो देंगे। और मैंने लौकी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो गाइस, चने की दाल और लौकी को दोनों को धो लेंगे, और ये जो है धोने के लिए इसको 2 दिन पानी से धोना है। तो गाइस, मिलते हैं दाल और लौकी को धोने के बाद। सो गाइस, चने की दाल को मैंने धो लिया है। सो गाइस, लौकी को धो के मैंने कुकर में रख लिया है, और कुकर में डाल देंगे चने की दाल को भी कुकर में डाल देंगे। सो गाइस, लौकी और चने की दाल दोनों मैंने बराबर लिए हैं। आपके परिवार में जितनी भी सदस्य हो उस हिसाब से आप दाल लीजिएगा। दाल मैंने थोड़ी कम ही ली है गाइस। तो गाइस, अब इसमें डालेंगे 2 से 2.5 गिलास भी आप डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से कम। तो गैस, अब कुकर को ढक्कन लगा देंगे। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे कुकर। तो कुकर जो रखा है गैस, तो इसके ऊपर जो सीटी आनी है, तो सीटी की क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है। सीटी इसमें कम से कम 6-7 सीटी लगानी है। 6-7 सीटी के बाद गैस को थोड़ा सा सिम कर देना है। तो सिम करने के बाद भी बफानी है, फिर गैस को ऑफ कर देना है। तो चने की दाल जो कि थोड़ा टाइम लेती है, तो चने की दाल में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो गैस, चने की दाल आप देख सकते हैं कि मैंने आधे घंटा के बाद जब सीटी आई थी, 6-7 सीटी के बाद इसको मैंने खोला है। तो खोलने के बाद ये दाल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। तो चने की दाल आप देख सकते हैं कि इसे कुट जाती है, और लौकी भी पक गई है। अब इसमें लगाएंगे गाइस तड़का। तड़का लगाने के लिए गाइस मैंने तवा रखा है, गैस को ऑन करा है, इसको गर्म करेंगे। तवा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे घी। घी गरम हो गया है, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसमें डालेंगे हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर। गैस को ऑफ कर देंगे। गरम मसाला, अब इसमें तड़का लगा देंगे। जो गाइस तड़का लगा दिए हैं, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है गाइस। ये परफेक्ट बन के तैयार हो गई है चने की दाल। उसको लौकी वाली उसको सर्व कर लेते हैं। सो गाइस, चने की दाल लौकी वाली मैंने सर्व कर ली है, और ये इसको इसमें डालेंगे घी, और ये गैस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये गैस चने की दाल लौकी वाली इस तरीके से आप बनाइए, और रोटी के साथ, चावल के साथ, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो गैस पूरी से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
इस तरीके से गाइस चने की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी, लौकी वाली चने की दाल। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ उसमें भी जाके आप मेरे शॉर्ट्स के चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। और भूख लगा के जरूर खाइएगा गाइस, गौ माता के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।